जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। मैं वैशाली को धर्मेश की सच्चाई बताऊंगी। अमर वैशु को जानना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि उसे आगे जाकर तकलीफ ना हो, इसीलिए उसे ये बताना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हें लगता है कि वैशाली ये बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं, लेकिन उसे ये बताना जरूरी है। मान मैं उसके घर जाकर आती हूँ। नहीं, वैशाली घर पे नहीं, वैशाली हॉस्पिटल में। मैंने अभी उसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ घबराने वाली बात नहीं, बस कमजोरी की वजह से गश खा के गिर गई। ठीक है, मैं उसे हॉस्पिटल में मिलकर आती हूँ। अरे सतीश तुम आ गए, लाओ। कैसा रहा सफर? काम कैसा हुआ? अच्छा हुआ। और बाकी यहाँ के क्या हाल चाल है? वो वैशाली की बर्थडे पार्टी कैसी? बर्थडे पार्टी? जब तक मानव नाम का इंसान उस घर से जुड़ा है, उस घर में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्यों, अब क्या हुआ? क्या किया मानव ने? चोरी। क्या? तुम जानते हो क्या हुआ वहां पर? इम्पॉसिबल, मानव ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। यार मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगा सकते। नहीं, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे बात करनी पड़ेगी मानव से। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है? मुश्किलें बर्दाश्त कर सकता है वो, लेकिन बेइज्जती नहीं। मुझे बात करनी पड़ेगी मानव से। कैसे इंसान हो तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, वो चोर साबित हुआ है, और फिर भी तुम उसी की तरफदारी किए जा रहे हो। उस इंसान में कभी कोई बुराई नजर नहीं आती क्या तुमको? नहीं, और शायद तुम भूल रही हो, कुछ महीने पहले तुम्हें भी उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां नजर आती थी। भूल गई? जब अश्विन के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मानव ही था जिसने। मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि तुम भी कुछ नहीं भूले अभी तक। मतलब मुझे लगा था कि हम दोनों मेरे अतीत को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी वो सब कुछ है, और इसीलिए शायद तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हो। वर्षा, कहीं और की बात को कहीं और लेकर जा रही हो तुम। हम मानो ही बात कर रहे हैं। लेकिन अश्विन का नाम तो तुमने ही निकाला ना। हाँ, तो तुमने मजबूर किया ना। मैंने कोई मजबूर नहीं किया, प्लीज बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे दिमाग में वो नाम पहले से था, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था कि उसका नाम लेकर तुम मुझे। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे अपनी गलतियां गिनवाकर दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालते हो। ऐसा नहीं है बट। ऐसा ही है। तेरी समझ में नहीं आता कि मुझे नीचा दिखाकर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। सब लोग कहते कि सतीश इतना अच्छा है, उसका दिल इतना बड़ा है, लेकिन बात जब मेरी आती है तो मेरे मामले में सब कुछ कहां चला जाता है। अगर हर बार तुम्हें ऐसी लड़ाई करनी है तो मत किया करो बात। नहीं सुनता मुझे कुछ। अब क्यों सुनोगे तुम? तुम्हारी बात तो कह चुके ना, लेकिन मुझे इसी तरह अंदर ही अंदर घुटते रहना होगा। हेलो, मैं माधुरी। हाँ बोलो माधुरी। वो मैंने कुछ पैसे भिजवाए थे तुम्हें। जी हाँ, पैसे मुझे मिल गए। एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है माधुरी। अभी नहीं हो सकता है,
अभी अभी नया साल शुरू हुआ है, नई डील्स, नए कमिटमेंट्स, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अभी पुणे आना? नहीं, आप पुणे मत आइए, मैं खुद मुंबई आ जाती हूँ। क्या तुम मुंबई आ रही हो? तुम्हें ऐसा कौन सा काम है यहाँ? जी देखिए, वैसे काम बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, जहाँ रुकोगी वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना। मैं आ जाऊँगा, फिर मिलकर बात करती हैं। थैंक यू। नर्स साहब, आपको पता है कि वैशाली जयपुर वाला कौन से वार्ड में? मैं देख के बताती हूँ। स्पेशल वार्ड नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वैशाली, मैं जानती हूँ कि तुझे ये सब सुनकर तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुझे और धोखे में नहीं रख सकती। तुझे दरवेश की सच्चाई जाननी होगी और मैं तुझे सच्चाई बता कर रहूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस वैशाली, आप मां बनने वाली है। पापा अब क्या करूं? वैशु की इस हालत में कैसे बताऊं मैं कि धर्मेश की क्या सच्चाई है? वैशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुझे कैसे पता चला? मैंने अभी अभी तेरी बातें सुनी डॉक्टर के साथ। मेरी वैशु बड़ी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। दूसरों की बातें इस तरह चुप चुप के सुना नहीं करते, तू नहीं जानती है। या फिर संगत के साथ रहकर ये मैनर्स भी भूल गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन उस दिन आई के घर जो कुछ भी हुआ उसमें दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बार तूने उनका इंसल्ट किया और अब तेरी सास ने। तेरा पति कोई राह चलता इंसान नहीं है कि तुम लोग उसे इस तरह बेइज्जत करो। वो दूसरों से कई ज्यादा काबिल और बेहतर इंसान है। वैशु, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन कितना अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ तुझे इतना बताना चाहती हूँ कि उस दिन आई के घर पे जो कुछ भी हुआ उसमें मानव की कोई गलती नहीं थी। वैशु, कब तक अपनी ताई से इस तरह नाराज रहेगी? तू जब छोटी थी ना तुझसे हजार गलतियां होती थी, लेकिन मैं तुझे तुरंत माफ कर देती थी। तू मुझे माफ नहीं कर सकती। नहीं, प्लीज तू चली जा यहां से। मैंने सोचा था मैं अपनी बहन के पास जाकर उसकी खुशियों में शामिल होंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, कि मैं गलत थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ताई, एक मिनट रुक जा। सॉरी, अपनी वैशु को पूछेगी नहीं, वो मां बनने वाली है तो वो कैसा फील कर रही है? और हाँ, तुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ। बाबा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अपने कमरे में है, आराम कर रहे हैं इस वक्त। उनकी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं उन्हें लेकर जाने के लिए आई। हाँ नहीं, मैं आज दोपहर में लेकर गया था, आज का चेकअप तो हो चुका है। तो फिर तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ नहीं, आज मैं गया नहीं।
जल्दी आ जा, वापस आ जा। कहा तो बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, इसलिए हाफ डे लेकर आ गए। लेकिन अगर तुम बता देते कि तुम लेकर जा रहे हो तो मुझे हाफ डे नहीं लेना पड़ता। मतलब अभी हम दोनों फ्री हैं? नहीं, मैं मार्केट जा रहा था, तो अगर तुम चलना चाहो तो जा सकती हो। मैं क्या चाहती हूँ वो छोड़, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मार्केट जाना है मुझे बता रहे हो या फिर पूछ रहे हो? सॉरी वर्षा, आज मुझे अश्विन की बात नहीं करनी चाहिए थी, बट यकीन मानो कि मेरा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं था। फिर भी अगर तुम हर्ट हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। अभी गुस्सा छोड़ो और चलो शॉपिंग करते हैं। ऐसे नहीं। फिर कैसे? मैं चेंज करके आती हूँ। क्या बात है? वैशाली से बात हुई? नहीं मान, मैं वैश्यू से कुछ नहीं बोल पाई। जब मैं वहां गई तो मैंने ऐसी बात सुनी कि वैश्यू से कुछ कह ही नहीं पाई। मतलब मैं समझा? मानो वैश्यू को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, वैश्यू माँ बनने वाली। और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं उसे किस मुंह से बताऊं धर्मेश की सच्चाई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है तुमने सही कहा। पता नहीं वैशाली को भी ये सब बात पता चलती तो वो कैसे रिएक्ट करती, बर्दाश्त कर भी पाती कि नहीं। तुम्हें ठीक है, लेकिन हमें वैश्य को बताना होगा। उसका सच जानना बहुत जरूरी है माना, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। हाँ जनाब, जरूर बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है बताने का। चाहे जो कुछ भी हो माना, मुझे धर्मेश से इस बारे में बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि अगर हम अभी कुछ भी धर्मेश से कहते हैं तो उसका सीधा असर वैशाली पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए, सब ठीक होगा। तुम चलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ मतलब? ऑफिस में हूँ, एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी मैं बात नहीं करनी। एक काम करो, तुम घर पर आओ फिर बात करते। थोड़ा जल्दी आना, बहुत जरूरी बात करनी। ऐसी क्या बात हो सकती है जो वैशु मुझे फोन पर नहीं बता सकती? कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे देव, कैसा दिया कांदा? 70 रुपए किलो। 5 किलो लोगी तो 65 में दे दूंगी। 70 रुपए किलो कांदा? तेरे बाप ने बेचा था क्या कभी? नहीं ताई, उनके जमाने में बात अलग थी। अब महंगाई बढ़ गई है ना, क्या करूं? ऐसा? अरे तेरा कांदा खरीदने में मेरा पूरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। तू एक काम कर, ये सब कांदे उठा के तेरे घर पे सजा के रख। हाँ चल। अरे बाप रे। आई आई लाइए, मुझे सामान दीजिए, मैं घर तक पहुंचा देती। कोई जरूरत नहीं है। और तू यहाँ क्यों आई? मेरा पीछा करती है क्या तू? आई मैंने और मानव ने बस यही घर लिया है। यही घर लिया है? हाँ। मतलब वो दांडे कर चाल में? हाँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है किधर भी रहो ना।
वही कोली मिली होगी कम पैसे वाली। हाँ लेकिन लेकिन घर बहुत अच्छा है, आई चलिए ना एक बार। कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारे घर में मैं पैर तक नहीं रखूंगी। और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आई, क्या जताना चाहती है? हमने घर से निकालने के बाद भी तू कितनी खुश है ये दिखाती है क्या? नहीं आई, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था आप चाहे मुझसे कितनी भी नाराज हो लेकिन मैं आपके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। आई मैंने हमेशा आपकी खुशी चाहिए और हमेशा चाहूंगी। मुझे नहीं तेरी मदद चाहिए, मैं मरूंगी लेकिन तेरी मदद नहीं लूंगी, समझी ना तू जा। अरे बाप रे, मानो तेरी बहुत याद आती है रे, क्या करूं? आई हूं ना मैं, रहा नहीं जाता मुझे तेरे बिना। तुझे आई की तो याद आती नहीं, अपनी बीवी का गुलाम बन के रह गया तू। तेरा दर्शन करने के लिए बेटा खड़ी हूं, कहीं तो दिखेगा ना तू। अच्छी बात बतानी है धर्मेश को, कैसे बताऊं? अच्छी बात के साथ साथ एक अच्छी गिफ्ट भी देती हूं, उसे और अच्छा लगेगा। या हो सकता है मेरे कुछ कहने से पहले ही धर्मेश सब कुछ समझ जाए। लेकिन गिफ्ट क्या दूं? अरे वर्षुताई, वैशु तू यहाँ क्या कर रही है? मैं शॉपिंग। तुझे पता है पति से झगड़ा होने का बहुत फायदा होता है, ये देख मुझे यहाँ पर शॉपिंग करवाने ले आए। तुझे मेरी और एक हेल्प करनी पड़ेगी। क्या? मैं धर्मेश के लिए कुछ खरीदने आई हूँ लेकिन थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ क्या खरीदूं। अरे मानो को कॉल तो किया ही नहीं। अच्छा तुम लोग कुछ देखना है शॉपिंग करना है तो कर लो, मैं भी कुछ देखता हूँ यहाँ पे अपने लिए, ठीक है? चलेगा, चल कहाँ पे जाना है? इस शॉप में चलते हैं। इस शॉप में? वैशु चल ना। वैसे धर्मेश कहाँ पर है? वो ऑफिस में है। तो फिर तू यहाँ पर क्या लेने आई है? दरअसल मैं गिफ्ट के साथ साथ उनको एक बात भी बताने वाली हूँ। लेकिन वैशु ये बच्चों का दुकान है, यहाँ पर धर्मेश के लिए क्या मिलेगा? और तू क्या बताने वाली है उसे? वो मैं पहले धर्मेश को बताऊंगी फिर तुझे बताऊंगी, पक्का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चॉइस है? मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। अच्छा होता अगर धर्मेश खुद यहाँ पर होता। अरे वो देख धर्मेश आ गया। क्या मजाक कर रही है तू भी? सॉरी। वैशु सच्ची धर्मेश वहां पर है? वैशु मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस बार सीरियसली बोल रही हूँ, तू एक बार पलट के देख तो। अभी अभी वहीं पर था। अब एक मिनट, क्या बात है सतीश, तुमने इतनी जल्दी यहाँ बुलाया, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मानो। मतलब मैं समझा नहीं,
आज मुझे मालूम चला कि मैं जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ वो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं। सतीश? हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। नहीं सतीश, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मानो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। सतीश, तुम यहाँ थे नहीं इसलिए। मेरा फोन मेरे साथ था तो मुझे एक फोन कर सकते थे। अरे कितनी बार मैंने बोला है, जब भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले मुझे याद करो, मुझे खुशी होगी। लेकिन नहीं, इतनी बातें तुमने मुझसे छुपा करके मुझे बहुत हर्ट किया है। सॉरी यार, माफ कर ले। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक वादा करना होगा कि आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले तुम मुझे याद करोगे। वादा। आप अपने बच्चे के लिए गिफ्ट्स ले रही हैं? नहीं, दरअसल अभी मुझे बच्चे नहीं हुए। बट या आई एम ए प्रेग्नेंट, और यही खुशी मुझे अपने पति से भी शेयर करनी है, सो सोचा कुछ गिफ्ट भी दे दूं साथ में। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? ये बात अपने आप में ही इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगता अच्छा यही होगा कि आप सीधे सीधे जाके अपने पति को ये बात कह दीजिए। आई एम सॉरी, अनजान होते हुए आपसे यूँ ये सब कहना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, अपने तजुर्बे के साथ कह रही हूँ। और हाँ, एक बात और, जब ये बात आप अपने पति से कहेंगी ना, तो और किसी चीज़ को आप दोनों के बीच में मत आने दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सही तो कह रही है ये, मैं धर्मेश से सीधे ही बात करती हूँ, कुछ गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं, चल छोड़, कुछ नहीं लेना यहाँ से। अरे लेकिन तुझे तो यहाँ पर खरीदना था ना। चल ना तू। क्या हो गया तुझे? सॉरी। अरे लेकिन क्या हो गया अचानक तुझे? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, छोड़। बोलो माधुरी, क्या बात है? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम्हें इतनी अर्जेंटली बतानी थी? जी वो मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। देखिए, मैंने आज तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती। उम्मीद है कि आप मुझे उनके सही जवाब बताएंगे। मुझ पर यकीन कीजिए, उनका जवाब मिलने के बाद मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। कैसी बात कर रही हो माधुरी? देखो, तुम्हें मेरी जिंदगी से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जानती हूँ मुझे आप पे यकीन, लेकिन मैं आपकी जिंदगी के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहती। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। बोलो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? वो धर्मेश मुझे मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। सहारे रहेंगे नजदीकियाँ।
क्या हो दूरियां बस प्यार।